अगर आप लोगों ने ट्विटर का नाम सुना है तो आप इतना समझ लो कि ट्विटर को भी यूज करके ऑनलाइन पैसा कमाना इज डेफिनेटली पॉसिबल। तो उस पर्टिकुलर पूरी चीज के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा। वैसे अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मेरा एक मिशन है कि मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूं ताकि आप लोग ऑनलाइन पैसा कमाओ यूजिंग ऑल द रियल एंड लेजिट वेज पॉसिबल। तो अगर आप लोग मेरे उस मिशन में मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि उसी से तो सपोर्ट थोड़ा मिलेगा मुझे। इस वीडियो की बात करें तो हम बात करने वाले हैं कि आप ट्विटर को यूज करके कैसे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे व्हाट इज ट्विटर, हाउ मच मनी यू कैन मेक ऑन ट्विटर, आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स की जरूरत होगी अगर आपको ट्विटर पे पैसा कमाना है तो, एंड द फाइनल स्टेप हाउ टू मेक मनी ऑन ट्विटर। अगर हमारे इस वीडियो पे 1000 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो मैं ट्विटर रिलेटेड एक और वीडियो करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको और कुछ अमेजिंग डिटेल शेयर करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो डेफिनेटली आप लोग मिस नहीं करना चाहोगे। तो मेक श्योर अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज ट्विटर। मैं यहां पे किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल सिंपल आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं कि आपको यहां पे करना क्या होता है। ट्विटर में आपको ट्वीट्स करने होते हैं, यानी कि आपको कुछ स्पेशल लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें यूज करके आपको जो आप लिखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं वो आप करते हैं, और हैशटैग यूज करते हैं या फिर बाकी लोगों को टैग करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर रिलेवेंट होता है तो वो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे आपके पास में लाइक का, ट्वीट करने का और कमेंट करने का ऑप्शन होता है, जो अगर आप किसी दूसरे के ट्वीट को भी अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको रीट्वीट कर सकते हैं विद अनदर एडिशन टू व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट दैट ट्वीट। सिंपल है, काफी सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, पर इतना सिंपल प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रॉन्ग है उसका अंदाजा मुझे भी नहीं था कुछ सालों पहले तक, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आप बात करें रिलेवेंस की। अब क्योंकि हम समझ गए कि ट्विटर एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म किस तरीके से सिंपली काम करता है, अब दूसरा सवाल जो होता है वो ये है कि हम ट्विटर पे कितना पैसा कमा सकते हैं, यानी कि हाउ मच मनी कैन बी मेक ऑन ट्विटर। क्योंकि ये जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इवन बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, क्योंकि जितना पैसा होगा उसी हिसाब से तो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं एक सिंगल फिगर की तो ऐसा कोई सिंगल फिगर नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, पर्सनली मैं काफी सारे लोगों को जानता हूँ जो चार्ज करते हैं फॉर वन ट्वीट एनीथिंग बिटवीन ₹20 टू समथिंग विच इज अराउंड ₹5,000, और ये मैक्सिमम लोग हैं जो इतना चार्ज करते हैं, एंड दे आर हैविंग अ सब्सक्राइबर काउंट बिटवीन 500 टू समथिंग अराउंड 25,000 फॉलोअर्स। वहीं पे मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ₹5,000 से लेकर ₹50,000 पर ट्वीट चार्ज करते हैं विद द फॉलोअर नंबर एज समथिंग बिटवीन 15,000 टू समथिंग अराउंड 150,000। अब यहाँ पे जो रेट वाला जो पार्ट है, आप कितना पैसा कमा सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू द पर्सन हु इज हैविंग द अकाउंट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डेस्परेशन होती है पैसा कमाने की, तो वो काफी कम रेट में भी अग्री कर लेते हैं। वहीं पे देर आर पीपल हु एक्चुअली वांट टू फोकस ऑन समथिंग व्हिच इज हाई पेड ऑलवेज। तो यहां पे जो रेट है ये डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। तो डेफिनेटली जो पॉसिबिलिटीज हैं विल डिपेंड ऑन आपका ट्विटर किस तरीके से दिख रहा है, मतलब कि कितना एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट मतलब कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने रीट्वीट्स हो रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग एक्चुअली में एंगेज कर रहे हैं आपके हर एक ट्वीट में। उस हिसाब से जो ब्रांड है आपको कहीं ना कहीं असेस करने की कोशिश करता है। तो ये जो प्राइस है ये डेफिनेटली आप लोगों को डिसाइड करना होगा ऑन वेरियस फैक्टर्स। तीसरा सवाल, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू वुड नीड सो दैट यू आर एबल टू मेक मनी ऑन ट्विटर, यानी कि कितने मिनिमम आपको फॉलोअर्स चाहिए होंगे ट्विटर पे ताकि आप लोग ट्विटर पे पैसा कमाना स्टार्ट कर पाओगे। अब देखो, मेरे हिसाब से ना यहां पे दो बड़े एलिमेंट्स होते हैं, दो बड़े पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर ये सारी की सारी चीज डिपेंड करती है। पहला होता है नंबर ऑफ फॉलोअर्स और दूसरा होता है एंगेजमेंट रेट। अब यहां पे तीन सिनेरियोस की मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहला, जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा। अब ये समझने की कोशिश करो, अगर आपके पास में 2,000-3,000 फॉलोअर्स हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो रैंडम ब्रांड आपको कॉन्टैक्ट करेगा, बोलेगा भाई हमारे लिए ट्वीट कर दो, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। ये पॉसिबिलिटी होगी जब आपके पास में हाई नंबर ऑफ फॉलोअर्स होंगे, विच इज डेफिनेटली 1,00,000+, 2,00,000+ और मे बी समथिंग इन मिलियंस। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपके पास में मॉडरेट नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल 20,000 फॉलोअर्स हैं, पर आपकी जो एंगेजमेंट रेट है वो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। मतलब कि हर एक 20,000 फॉलोअर वाले अकाउंट में जब भी आप ट्वीट करते हैं तो आपके
पास में मिनिमम 1000 लाइक्स आ जाते हैं, 1000 रीट्वीट आ जाते हैं और 1000 कमेंट आ जाते हैं या 200-300 कमेंट आ जाते हैं, यानी कि एंगेजमेंट रेट इज अमेजिंग। दिस इज समथिंग विच विल डेफिनेटली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। अगर आप उनके नोटिस में आ सकते हैं कैसे ना कैसे करके, तो फॉर श्योर दिस एक्चुअली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स कि वो आप लोग को कॉन्टैक्ट करेंगे, बोलेंगे भाई हम लोगों के लिए ये चीज करो, क्योंकि एंगेजमेंट रेट इज एवरीथिंग। सो इट इज नॉट ओनली द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, अगर कम नंबर ऑफ फॉलोअर्स है और एंगेजमेंट रेट काफी अमेजिंग है तो इसका जो परफेक्ट कॉम्बो है वो आपके लिए डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। या फिर जो पहला केस बताया जहां पे सिर्फ नंबर ही हाई है, एंगेजमेंट रेट इवन लो भी होता है तो भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्रांड्स रीच आउट टू यू बिकॉज नंबर इज एवरीथिंग फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। और तीसरा जो केस है वो यह है कि आपके पास में कम नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं तो उन लोगों का क्या। अब देखो यहां पे भी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, अगर आपका एंगेजमेंट रेट इज ओके, मतलब आपके जितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से दिस इज डिसेंट एनफ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने उस ट्विटर अकाउंट को, उन ट्वीट्स को पुश कर सकते हैं विद द अदर प्लेटफॉर्म्स यू यूज। मे बी अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर अगर आप एक इंस्टाग्रामर हैं, वहां पर अगर आपकी रीच काफी अच्छी है तो वहां से जब भी कोई कोलैबोरेशन करते हैं तो वहां पर एज अ पैकेज आप अपने ट्विटर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं उस चीज में, जहां पर आप एक छोटा सा अमाउंट ऐड करके कहीं ना कहीं उस चीज को इधर भी पुश करने की कोशिश कीजिए। यानी कि अगर मान लो आपने किसी यूट्यूब वीडियो के लिए या एक इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ ना कुछ चीज पोस्ट करने के लिए अगर आपने 5000 रुपए लिए हैं, तो आप उस ब्रांड को बोलिए कि भाई अगर आप 6000 रुपए मुझे देते हैं तो मैं एक ट्वीट भी कर दूंगा वहां पे द एग्जैक्ट सेम थिंग, विच इज व्हाट यू कैन एक्चुअली अगेन मोनेटाइज योर ट्विटर का अकाउंट या ट्विटर का जो प्रोफाइल है वो भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं, इवन व्हेन यू विल बी हैविंग लेसर फॉलोअर्स एंड लेसर एंगेजमेंट। तो चलो इतना तो अभी तक ये क्लियर हो गया कि अगर आपके पास में कम फॉलोअर्स भी होते हैं ट्विटर पर तो भी आप कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पुश कर सकते हैं। अगर आपके पास में बाकी दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है तो अगेन दिस विल बी अ बिट चैलेंजिंग, यू विल हैव टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रेजेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फोकस करना होगा आपको दूसरे वाले पॉइंट पर जो मैंने आपको बताया था, जहां पर आपके मॉडरेट नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं एंड अमेजिंग एंगेजमेंट है। कैसे ग्रो करेंगे वो अगर पॉसिबल होगा तो आगे एक फ्यूचर के ट्विटर वाले वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूंगा, उसके लिए 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करना है हमको, तो मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी लाइक दिस वीडियो बाय नाउ। नाउ द रियल स्टफ कि भाई ऑनलाइन अगर आपको पैसा कमाना है ट्विटर से तो हाउ टू मेक मनी ऑन ट्विटर। यहां पर मैं आपके साथ में कुछ तरीके शेयर करना चाहूंगा जिन्हें यूज करके हर एक ट्विटर पे जो यूजर है वो पैसे कमा सकता है, ऑलरेडी कमा रहा है। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर तरीका होगा स्पॉन्सर्ड ट्वीट्स का। तो यहां पे अगेन दो कैटेगरीज हैं। पहला तो है जब आपको ब्रांड खुद कोलैबोरेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, ईमेल करता है एंड यू कोलैबोरेट, दिस यूजुअली हैपेंस ऑन अ लार्जर स्केल। पर अगर मैं बात करूं नॉर्मल यूजर्स की तो काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको ऐसे पोस्ट मिल जाते हैं, ऐसे वहां पे कैटेगरीज मिल जाती है जहां पे आपको पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर इंसान को, इस पर्टिकुलर ब्रांड को इस रीट्वीट की या ट्वीट की जरूरत है और ये करने के लिए मुझे इतना पैसा मिल जाएगा एंड यू सबमिट। तो देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स समथिंग लाइक माई लाइक्स, रेफ ट्वीट, ट्विट एड, पेड पर ट्वीट, स्पॉन्सर्ड ट्वीट, ये जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको लिस्टेड ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे आपको पता लग जाता है कि भाई ये मैं एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ, या मैं इस चीज़ के लिए इतना कोट करना चाहूँगा, वो आप वहाँ पे डाल देते हैं। जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको वो काम करना होता है, फिर आपको वहाँ पे पैसा मिल जाता है जो अल्टीमेटली आपके अकाउंट में आ जाता है। दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ मेकिंग मनी ऑन ट्विटर। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में पैसा काफ़ी कम होता है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये पर ट्वीट, पर ट्वीट, डिपेंडिंग ऑन आपका अकाउंट कैसा है और कितना पॉपुलर है। दूसरा तरीका थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन है, पर यहां पे आपको क्या करना होगा टू मेक मनी ऑन ट्विटर, आपको अपनी खुद की वेबसाइट या ब्लॉग पे ट्रैफिक को जनरेट करना होगा यूजिंग योर ट्वीट्स। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं टू योर वेबसाइट और ब्लॉग, जो अगेन मोनेटाइज्ड है, जो आपको हेल्प करेगा टू मेक मनी ऑनलाइन। तीसरा अगेन इनडायरेक्ट अफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि आप अपने ट्वीट्स के जरिए काफी सारी चीजें सेल करते रहते हैं। अगर आपने ऐसा अकाउंट बनाया जहां पे मे बी से आप बेस्ट डील शेयर करते हैं, बेस्ट ऑनलाइन डील शेयर करते हैं, Amazon की, Flipkart की जो अफिलिएट लिंक्स है जो नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद में उन्हीं लिंक को यूज करके चीजें खरीदते हैं, आपको कहीं ना कहीं कमीशन मिल जाता है, दिस इज अनदर वे ऑफ मेकिंग मनी ऑन ट्विटर। तो अगर आपका छोटा सा अकाउंट भी है तो भी पॉसिबिलिटी काफी बड़ी हो जाती है टू मेक मनी इवन इफ इट इज वेरी लेस। चौथा तरीका टू प्रमोट योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस। काफी सारे ब्रांड्स हैं जो ट्विटर पे अपनी प्रेजेंस रखते हैं अपने खुद के प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए, तो वहां पे पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर आप खुद एक अपना प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाहते हैं या फिर कोई रिलेटिव है जिसको आप हेल्प करना चाहते हैं एंड ऑल दैट। पांचवा तरीका टू बिल्ड एन ईमेल लिस्ट, यानी कि आप एक ऐसी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करते हैं जो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक देने के लिए, अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, बाकी और चीजों को बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए एंड ऑल दैट। दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बीइंग एबल टू मेक मनी
मनी ऑनलाइन, पर ये आपको हेल्प करता है इन क्रिएटिंग दैट अमेजिंग ह्यूज ईमेल की लिस्ट जो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा टू बी एबल टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। नंबर 6, ट्विटर मैनेजमेंट फॉर अदर ब्रांड्स, यानी कि अगर आप एक अच्छे खासे ट्विटर को यूज करने वाले इंसान है जिसे हर एक चीज पता है, तो आप दूसरे इंसान का, दूसरे ब्रांड का जो ट्विटर अकाउंट है वो आप मैनेज कर सकते हैं। यू विल हैव टू डू ऑल द ट्वीट्स, ऑल द टैगिंग, ऑल द एंगेजमेंट, ऑल द कमेंट रिप्लाई, ये और वो हर एक चीज कर सकते हैं। उस चीज के लिए आपको वीकली, मंथली आप चार्ज कर सकते हैं कि भाई मैं इतना अमाउंट लेने वाला हूं, एंड यू कैन डू दैट। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली डू दैट। तो ये तरीके की एजेंसीज होती है, बाकी अगर फ्रीलांसर्स भी हैं तो वो भी छोटे छोटे ब्रांड्स के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो मैनेज करते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट मेरे हिसाब से वो है नंबर 7, ट्विटर के एड कैंपेन। काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्विटर पे एड्स को रन करते हैं। ये तरीके की जो मास्टरी है अगर आप में है ट्विटर को ऐड को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो आप काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। कैसे किसी पर्टिकुलर हैशटैग को ट्रेंडिंग में लेके आना है, प्रमोट करके, वो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो डेफिनेटली उनके जो मेन मार्केटिंग का जो टारगेट है उस हिसाब से यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको ऐड कैंपेन कैसा करना होगा, किस तरीके से करना होगा, क्या डेमोग्राफिक्स होंगे, टारगेट्स होंगे एंड ऑल दैट। सो इफ इन केस यू हैव मास्टरी इन दैट, यू कैन मैनेज दिस एज वेल एंड यू कैन मेक मनी ऑन ट्विटर। तो ये वो तरीके हैं जिन्हें यूज करके आप ट्विटर पे पैसा कमा सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि इतने ही लिमिटेड तरीके हैं, देर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, क्योंकि जितना इंसान का दिमाग ज्यादा चलता है उतने ही ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके बढ़ते रहते हैं आगे। तो दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन होते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। मैं आपको मिलूंगा बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में तो इतना ही। अपना ध्यान रखना, बी सेफ, और इतना ध्यान रखना कि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है। उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो वो करना बाकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।